Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAG TV. TAG TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा तश्वीशनाक है. डग फोर्ड कहते हैं हमारे पास तमाम ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें दोबारा शटडाउन भी शामिल है. कैनेडियन वजीर आजम ने मौसम सरमा में एक मरतबा फिर लॉकडाउन का इंदिया दे दिया. जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कोरोना वायरस हनूज हल तलब मसला है. कैनेडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी. कैनेडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,38,010 हो गई. दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,94,75,000 से तजावज कर गई, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 9,29,424 हो गईं. अमेरिका के जंगलात में लगने वाली आग ने ब्रिटिश कोलंबिया में भी हवा के मयार को मुतासर कर दिया. एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक ये धुआं 1 या 2 दिन तक सूबे की हवा में मौजूद रहेगा. अमेरिका की 2 रियासतों कैलिफोर्निया और ओरिगन के जंगलात में लगने वाली आग से बड़े पैमाने पर तबाही. अमेरिका के कौमी महकमे मौसमियात ने रेड फ्लैग वार्निंग जारी कर दी. ईरान सुलेमानी के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए अमेरिका के खिलाफ हमले की मंसूबाबंदी कर सकता है. ट्रंप कहते हैं किसी भी हमले का 1,000 गुना ज्यादा जवाब दिया जाएगा. हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ. Greenish hand sanitizer, Ala Green quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareede ya hamari website par order kare. www.greenish.com. Canada mein aapke paas doctor aur lawyer hona bahut zaruri hai. Hum aapko batane ja rahe hain ek aisa naam jo hai reliable, trustworthy and honest. Law firm of Shikha Sharda, 905-956-6699. For family law, real estate, wills और किसी भी तरह के affidavit या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 905-956-6699. पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है. कॉल लॉयर शिखा शारदा 905-956-6699. ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड सूबे में कोरोना के बढ़ते केसेस पर शदीद परेशानी का शिकार हैं. उनका कहना है कि कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा तश्वीशनाक है. हमारे पास तमाम ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें दोबारा शटडाउन भी शामिल है. मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में. ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड सूबे में कोरोना के बढ़ते केसेस पर शदीद परेशानी का शिकार हैं. उनका कहना है कि कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा तश्वीशनाक है. हमारे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, जिनमें दोबारा शटडाउन भी शामिल है. डग फोर्ड का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शिद्दत का इन्हिसार ऑन्टेरियो के अवाम पर है. उन्होंने अवाम से दरख्वास्त की समाजी इज्तिमात से गुरेज करें, क्योंकि समाजी इज्तिमात कोरोना वायरस के फैलाव की बुनियादी वजह है. यह रेस्टोरेंट और बार से नहीं फैल रहा, बल्कि इसके फैलने की वजह समाजी इज्तिमात और करीबी मेलजोल है. मैं ऑन्टेरियो के से दरखास्त करता हूं कि वो गैर जरूरी समाजी इज्तिमा से गुरेज करें, और अगर ये नागुजीर हो तो महकमा सेहत की हिदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल करें. ये इज्तिमात इतने अहम नहीं, क्योंकि ये वायरस के फैलाव का सबब है. उनका कहना था कि ऑन्टेरियो के अवाम की बड़ी तादाद महकमा सेहत की हिदायत पर अमल कर रही है, लेकिन कुछ लोग अब भी इस मसले को संजीदगी से नहीं ले रहे और एहतियाती तदाबीर के बगैर मेल जोल जारी रखे हैं. समाजी इज्तिमात कोरोना वायरस के फैलाव का आम जरिया है, हमें इससे बचना है. कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर तश्वीश का इजहार करते हुए मौसम सरमा में एक बार फिर लॉकडाउन का इंदिया दे दिया. उन्होंने अवाम पर जोर दिया है कि वो कोरोना के फैलाव से बचने के लिए महकमा सेहत की हिदायत पर मुकम्मल अमल करें. मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में. कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर तश्वीश का इजहार करते हुए मौसम सरमा में एक बार फिर लॉकडाउन का इंदिया दे दिया. उन्होंने अवाम पर जोर दिया है कि वो कोरोना के फैलाव से बचने के लिए महकमा सेहत की हिदायत पर मुकम्मल अमल करें. उन्होंने अवाम से कहा कि हमें एक दूसरे का ख्याल करना होगा, और इसके लिए हमें समाजी फासला बरकरार रखना होगा. हाथों को बार बार धोने के साथ मास्क पहनना होगा. उन्होंने खबरदार किया कि अगर कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे का सिलसिला जारी रहा तो अवाम मौसम सरमा में भी मौसम बहार जैसा लॉकडाउन को जहन में रखे. ट्रूडो ने कोरोना वायरस के हालिया केसेस पर अवाम को खबरदार किया है कि ये वायरस दोबारा सेहत का बहरान पैदा कर सकता है. ये मसला अभी हल नहीं हुआ, बल्कि मौजूद है. कैनेडियन वजीर आजम का मजीद कहना था कि हुकूमत की तवज्जो लोगों को कोरोना वायरस से महफूज बनाने, सूरत हाल को काबू रखने और हेल्थ केयर सिस्टम पर ज्यादा बोझ न डालने पर मरकूज है. मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,189 हो गई है. मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में.
कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,38,010 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,179 हो गई। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमुई केसेस की तादाद 65,262 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस हलाकतों की तादाद 5,780 तक पहुँच चुकी है। ऑन्टेरियो में जून के अवाइल के बाद कोरोना वायरस के यौमिया केसेस रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में कोरोना वायरस के 313 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिस पर सूबाई हुकाम की जानिब से तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। सूबे में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद 44,817 है। सूबे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,816 है। अल्बर्टा में 15,833 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 254 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलम्बिया में 7,279 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 219 है। अमरीका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर है, जहां इस वायरस से अब तक 1,99,018 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमुई तादाद 67,49,406 हो चुकी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,94,75,000 से तजावुज कर गई, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 9,29,424 हो गईं। अमरीका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर है, जहां इस वायरस से अब तक 1,99,018 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमुई तादाद 67,49,406 हो चुकी है। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 49,03,236 से तजावुज कर गई, जबकि हलाकतें 80,808 के करीब पहुँच चुकी हैं। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर चला गया है, जहां ये वायरस 1,32,117 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 43,49,544 तक पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 18,785 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 10,73,849 हो चुकी है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 4,305 रिपोर्ट हुई है, जबकि ममलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,26,258 तक पहुँच चुकी है। अमेरिका में जंगलात में लगने वाली आग ने कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया को भी मुतासर किया है, जबकि आग के सबब फैलने वाले धुएं का रुख अब अल्बर्टा की जानिब है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में जंगलात में लगने वाली आग ने कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में भी हवा के मैार को मुतासर किया है, जबकि आग के सबब फैलने वाले धुएं का रुख अब अल्बर्टा की जानिब है। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक ये धुआं एक या दो दिन तक सूबे की हवा में मौजूद रहेगा। हुकाम का कहना है कि ऐसी चीजों पर गौर कर रहे हैं, जिनसे सूरत हाल को बेहतर करने में मदद मिल सकती है। तमाम ऐसा नहीं लगता कि बड़े पैमाने पर मसनूई बारिश की जा सके, ये इसको खत्म करने के लिए काफी ना होगा। भूरे रंग के धुएं के बादल सूबे के अक्सर इलाकों में छाए हुए हैं, जबकि अब उनकी हालत मजीद बदतर हो गई है। वैनकूवर जजीरे से कोर्टनेस आइलैंड तक मुतादद शहरों में हवा का मैार दुनिया भर में सबसे ज्यादा बदतरीन महसूस किया गया है। महकमा सेहत के हुकाम का कहना है कि ये धुआं लोगों को सेहत से मुतालिक मसाइल का सबब बन सकता है, जिनमें आंखों में जलन, नाक बहना, गले की सूजिश, हल्की खांसी, बलगम की पैदावार और सरदर्द शामिल हैं। ज्यादा शदीद अलामत में सांस लेने में दुश्वारी, शदीद खांसी, चक्कर आना, सीने में दर्द या दिल की धड़कन का मुतासर होना शामिल है। इन अलामत का सामना करने वाले अफराद को तिब्बी इमदाद लेनी चाहिए। अमेरिका के जंगलात में लगने वाली आग से बड़ा रकबा जलकर राख हो गया। ड्रोन कैमरे से खौफनाक मनाजिर अक्स बंद किए गए। अब तक 40 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमेरिका के जंगलात में लगने वाली आग से बड़ा रकबा जलकर राख हो गया। ड्रोन कैमरे से खौफनाक मनाजिर अक्स बंद किए गए। अब तक 40 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका की दो रियासतों कैलिफोर्निया और ओरेगन के जंगलात में लगने वाली आग से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। तेज हवाओं के सबब आग मजीद फैल रही है। अमेरिका की कौमी महकमा मौसमियात ने रेड फ्लैग वार्निंग जारी कर दी है। 100 मुख्तलिफ मुकामात पर लगी आग के सबब लाखों एकड़ रकबा तबाही का शिकार हो गया है, जिसका बदतरीन असर माहौल पर भी पड़ा है। हवा और फिजा का मैार इंतहाई खराब हो गया है, जिसके अब सांस की बीमारियां फैलने का खदशा भी मौजूद है। आग से अब तक 40 अफराद हलाक और हजारों घर और सैकड़ों गाड़ियां जल चुकी हैं। सदर ट्रंप ने कैलिफोर्निया में एक तकरीब में आग के दौरान लोगों को रेस्क्यू करने वाले नेशनल गार्ड्स को एजाजा से नवाजा। वाज़ेह रहे, चंद रोज कबल बदतरीन आग के सबब सैन फ्रांसिस्को के इलाके का आसमान सुर्खी माइल हो गया था, जो इलाके में क्यामत का मंजर पेश कर रहा था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की तरफ से किसी भी किस्म के हमले का 1,000 गुना ज्यादा जवाब दिया जाएगा। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा है ट्रंप की ईरान पॉलिसी एक खतरनाक नाकामी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की तरफ से किसी भी किस्म के हमले का 1,000 गुना ज्यादा जवाब दिया जाएगा। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा कि ट्रंप की ईरानी पॉलिसी खतरनाक नाकामी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ईरान सुलेमानी के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए अमरीका के खिलाफ हमले की मनसूबाबंदी कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका के खिलाफ ईरान के किसी भी हमले का मुकाबला ऐसे हमले से किया जाएगा जिसकी शिद्दत 1,000 गुना ज्यादा होगी। ट्रंप ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी पर अमरीकी कातिलाना हमले का एक बार फिर दिफा करते हुए पुराना बयान दोहरा दिया कि वो अमरीकी फौज
पर हमले की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। इससे कबल अमरीका मुख्तलिफ इल्जाम लगाकर इराक और अफगानिस्तान पर भी हमले कर चुका है, जिनमें हजारों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया था। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने सदर ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा है कि उनकी ईरानी पॉलिसी एक खतरनाक नाकामी है। टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टेक टीवी। सब्सक्राइब टेक टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।